हाईकोर्ट के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के निर्देश को मानने से इनकार। योगी सरकार नहीं लगाएगी लॉकडाउन। बीते 24 घंटे में यूपी में आए 28,287 नए मामले। इस दौरान 167 लोगों की मौत। सीएम योगी टीम 11 के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। यूपी में कोरोना के हालात की लेंगे जानकारी। बढ़ते संक्रमण के रोकथाम की बनेगी रणनीति। कोरोना संक्रमण के बीच यूपी से आई राहत भरी खबर। प्रदेश में बढ़ रहा है रिकवरी रेट। 24 घंटे में हुई 11,000 लोगों की रिकवरी। गाजियाबाद में फिर शुरू हुआ प्रवासी मजदूरों का पलायन। कौशाम्बी बस अड्डे पर उमड़ी भीड़। लोग बसों में भरकर घर हो रहे रवाना। यूपी में सभी शिक्षकों को घर से काम करने की दी जाएगी परमिशन। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश त्रिवेदी का बयान। यूपी में मास्क की अनिवार्यता को सख्ती से लागू करने का आदेश। दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 जुर्माना। लखनऊ वाराणसी प्रयागराज में बेड दोगुना करने का आदेश। यूपी के देवरिया में 1,000 रुपए जुर्माना भरने के बाद भी नहीं सुधरा युवक। नहीं पहना मास्क, अगले दिन फिर कटा 10,000 रुपए का चालान। मुख्तार अंसारी के खिलाफ धमकी मामले में तय होंगे आरोप। एमपी एमएलए कोर्ट कर रहा मामले की सुनवाई। साल 2012 में वाराणसी के बेलपुर थाने में दर्ज हुआ था केस। कोरोना को लेकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने संभाला मोर्चा। 4 जिलों में डीएम से फोन पर की बात। मरीजों के इलाज के लिए जानकारी। ऑक्सीजन सप्लाई का भी मांगा ब्यौरा। महोबा में पुलिस टीम पर हमले का मामला आया सामने। एक्सीडेंट से गुस्साए ग्रामीणों ने चरखारी कोतवाली पर बोला धावा। इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात। छिटपुट घटनाओं के बीच उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग हुई खत्म। 20 जिलों में 52,623 पोलिंग बूथ पर मतदान। कोविड संक्रमण के बीच यूपी पंचायत चुनाव पर रोक लगाने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दी गई चुनौती। प्रतापगढ़ के कुंडा सर्किल के पोलिंग बूथ में वोटिंग के दौरान हंगामा। मतपेटी में पानी डालने की हुई कोशिश। पुलिसकर्मियों से भी हुई मारपीट। बाराबंकी में पंचायत चुनाव में वर्चस्व को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़े। गाड़ियों में भी हुई तोड़फोड़। मामले में 9 लोग गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में पंचायत चुनाव में बूथ कैप्चरिंग का मामला आया सामने। स्ट्रीट शूटर शैलेंद्र सिंह की गुंडाई का वीडियो वायरल। सुल्तानपुर के चांदा थाना क्षेत्र में वोटिंग के दौरान बरुआ बूथ पर पुलिस और प्रधान समर्थकों के बीच मारपीट। एक पुलिसकर्मी हुआ घायल। मुजफ्फरनगर में फर्जी वोटिंग को लेकर उम्मीदवारों ने किया हंगामा। पुलिस ने हंगामा करने वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मामले में 3 लोग गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में पंचायत चुनाव की वोटिंग के दौरान कई बूथों पर हुआ बवाल। प्रत्याशी समर्थकों ने एक दूसरे पर ईंट पत्थरों से किया हमला। बाराबंकी में पुलिस ने एक शख्स को 30 लाख रुपए की अवैध शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। पंचायत चुनाव में प्रयोग के लिए लाई जा रही थी शराब। प्रतापगढ़ के सांगापट्टी गांव में फर्जी वोटिंग का मामला आया सामने। 3 वोटर आईडी के साथ एक महिला गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में पंचायत चुनाव में हो रही वोटिंग का कमिश्नर ने लिया जायजा। अधिकारियों से कोविड गाइडलाइन के पालन कराने का दिया निर्देश। सुल्तानपुर में फर्जी वोटिंग की शिकायत करना पड़ा भारी। विरोध गुट ने की फायरिंग। गोली लगने से 2 घायल। इलाज जारी। प्रतापगढ़ में दर्जनों बूथों पर बवाल का मामला। विरोधी गेंद पर बूथ लूटने की कोशिश। पुलिस ने लोगों को खदेड़ा। इटावा में पंचायत चुनाव वोटिंग के दौरान कोविड गाइडलाइन की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते दिखे लोग। अमरोहा के चुपका गांव में ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार। गांव में मतदान केंद्र न बनाने पर जताई नाराजगी। एटा में अलीगंज तहसील में पंचायत चुनाव में वोटिंग के दौरान एक हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। शख्स पर मतदान प्रक्रिया बाधित करने का आरोप। संभल में पुलिस ने छापेमारी कर एक वाहन चोर गैंग का खुलासा कर दिया। मौके पर 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों से एक लग्जरी कार समेत 9 बाइकें बरामद। प्रतापगढ़ में कटरा चौराहे के पास 3 गाड़ियों में भिड़ंत। हादसे के बाद गाड़ियों में लगी आग। 2 चालक गंभीर रूप से घायल। बिजली के पोल से टकरा गई थी गाड़ियां। जालान के कोटरा थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट होने से 2 ट्रांसफार्मर पर लगी भीषण आग। काफी देर तक जलते रहे ट्रांसफार्मर। ग्रामीणों ने पाया आग पर काबू। मेरठ में हाथ में हथियार लेकर डांस करते हुए कुछ लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सलमान गैंग के गुर्गे बताए जा रहे हैं लोग। पुलिस कर रही वायरल वीडियो की जांच। गाजियाबाद में बदमाशों ने एक निजी कंपनी में तैनात अकाउंटेंट से 20 लाख रुपए लूट लिए। बैंक से कैश लेकर ऑफिस जा रहा था कर्मचारी। सीमावाद में उलझी रही पुलिस। अयोध्या में कोरोना के मद्देनजर श्रद्धालुओं के लिए रामलला के दर्शन पर रोक। अनिश्चितकाल के लिए लगाई गई रोक। खुले रहेंगे रामलला के कपाट। नियमित होगी पूजा।
आगरा में 16 अप्रैल को ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी का पुलिस से किया खुलासा, दो आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, 24 किलो चांदी बरामद। बस्ती में पंचायत चुनाव के वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मामला आया सामने, ग्रामीणों ने वोटर लिस्ट में नाम गायब होने का आरोप लगाया। सोनभद्र में मिलों से निकलने वाले अपशिष्ट से बेलन नदी की गहराई हुई कम, मामले में स्थानीय लोगों ने क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी से की शिकायत। लखनऊ के गौरीगंज बाजार में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग, मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। जौनपुर में ब्रश बनाने के कारखाने में अचानक से आग लगने से हड़कंप, आग लगने के कारणों का नहीं चल सका पता। बुलंदशहर के जिला अस्पताल में आशा कार्यकर्ती को अपने बीमार पति को स्ट्रेचर पर खुद खींचना पड़ा, अस्पताल स्टाफ ने नहीं की कोई मदद। बरेली के इज्जतनगर क्षेत्र में एक पिकअप में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आगरा में पुलिस से 17 माह की अपहरण हुई बच्ची को सकुशल किया बरामद, 3 अपहरणकर्ता किए गए गिरफ्तार। आगरा में 3 ऑक्सीजन प्लांटों पर छापा मार का ऑक्सीजन से भरे सिलेंडर बरामद, कांच फैक्ट्रियों में अवैध रूप से होती थी सप्लाई। मुरादाबाद में एसपी सांसद डॉक्टर एससी हसन हुए कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया आइसोलेट।